अगर आप भी मधुबनी आर्ट बनाना पसंद करते हैं लेकिन आपको इसको बनाना बहुत ही टफ लगता है, तो आज मैं आपको एक ऐसा तरीका बताने वाली हूँ जिससे कि ये आर्ट बनाना आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है अमिता और आज हम देखते हैं कि मधुबनी आर्ट को हम कैसे बहुत ही आसान तरीके से बना सकते हैं। तो चलिए फटाफट से वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज की वीडियो मेरे उन फ्रेंड्स के लिए है जो मधुबनी आर्ट को पसंद करते हैं लेकिन ट्रेडिशनल तरीके से बनाना उनको काफ़ी मुश्किल लगता है। आज हम इसको नॉर्मल ड्राइंग पेपर के ऊपर बनाएंगे। बस आपको इतना ध्यान रखना है, आपका जो ड्राइंग पेपर है वो ठीक होना चाहिए, वो बहुत ज़्यादा पतला नहीं होना चाहिए। वैसे तो फ्रेंड्स, अगर आप ट्रेडिशनल तरीके से मधुबनी आर्ट बनाना चाहते हैं तो उसमें हम कोई भी स्केल वगैरह यूज़ नहीं करते हैं, उसको हम डायरेक्टली बनाते हैं। उसमें आप किसी भी तरह से, जैसे हमने यहाँ पर पेन लिया है, आपको पेन वगैरह नहीं लेना होता है। ये सारी चीज़ें आपको ब्रश के साथ करनी होती हैं। बहुत ही पतले से ब्रश होते हैं जिनके साथ हम ट्रेडिशनल तरीके से मधुबनी आर्ट बनाते हैं। अब यहाँ पर क्योंकि मैं बहुत ही आसान तरीका बता रही हूँ, तो मैंने यहाँ पर जेल पेन लिया है। आप यहाँ पर किसी भी ब्रांड का जेल पेन ले सकते हैं, ऐसा नहीं है कि कुछ खास ही आपको लेना है। बस आपको इतना ध्यान रखना है, जो आपकी लाइंस हैं वो बिल्कुल स्ट्रेट होनी चाहिए, उनमें बीच में स्पेस बिल्कुल इक्वल होना चाहिए। हो सकता है स्टार्टिंग में बनाते हुए जो आपकी लाइंस हैं उनमें आपको इक्वल स्पेस रखने में या उनको स्ट्रेट रखने में थोड़ा सा दिक्कत हो। अगर आप फ्री हैंड ड्राइंग नहीं कर सकते हैं तो आप अपनी ड्राइंग को पहले इस तरह से पेंसिल से भी बना सकते हैं, लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखें, जहाँ पर आप पेंसिल से ड्रॉ करेंगे उसके ऊपर जेल पेन से काम करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो एक बार आप अपना डिज़ाइन बना के फिर उसके बाद उसके साइड में जो है लाइंस अपनी बना सकते हैं, जो आपका डिज़ाइन है उसके इक्वल, नहीं तो आपको बहुत दिक्कत आएगी उसके ऊपर पेन को चलाने में। अब यहाँ पर जो हमारा डिज़ाइन है वो मैंने फ्री हैंड बना लिया है। बहुत ही आसान है, बहुत ही सिंपल है बनाना और बहुत ही रिलैक्सिंग फील हो रहा है इसको बनाते हुए। अब यहाँ पर जो हमारी आर्ट का बेस है वो हमने छोटी छोटी सी लीव के साथ कंप्लीट कर दिया है और अब बारी आती है बॉर्डर बनाने की। मधुबनी आर्ट का बॉर्डर बहुत ही खास होता है। अगर आपने एक बार बॉर्डर को बहुत अच्छे से बना लिया, बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव बना दिया, तो ये समझिए आपकी मधुबनी आर्ट में चार चांद लग जाएंगे। वैसे तो फ्रेंड्स, अगर आप ट्रेडिशनल तरीके से मधुबनी आर्ट बना रहे हैं तो उसे हम कैनवस के ऊपर बनाते हैं और उसमें हम यहाँ पर वाटर कलर या फिर एक्रेलिक कलर को यूज़ करते हैं, लेकिन ये हम बिगनर्स के लिए बना रहे हैं। तो यहाँ पर मैंने लिया है ब्रश पेन और ब्रश पेन से इस तरह से कलर करना बहुत ही आसान होता है। इसमें आपको कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है। अगर आप बिगनर्स भी हैं तो भी इसे आप बहुत ही आसानी से बना पाएंगे। अब यहाँ पर बॉर्डर को थोड़ा सा और हैवी लुक देने के लिए मैंने ब्लैक पेन से भी यहाँ पर ऊपर आप देख रहे हैं थोड़ा सा ज़्यादा आउटलाइन की तरह से किया है। आप इसी तरह से इसको और भी ज़्यादा अट्रैक्टिव बना सकते हैं, ब्लैक पेन को और ज़्यादा यूज़ कर सकते हैं, तो इससे आपका जो डिज़ाइन है और भी ज़्यादा खिल कर आएगा। अब मैं आपको बताने वाली हूँ कि किस तरह के ब्रश पेन आप यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि पिछली वीडियो में आप में से बहुत से फ्रेंड्स ने पूछा था कि कौन से पेन आप यूज़ कर रहे हैं। यहाँ पर मैंने डॉम्स के पेन लिए हैं। ये ब्रश पेन है, ये कैमलिन में भी आते हैं, दोनों ही बहुत अच्छे हैं। दो शेड में आते हैं, एक तो आप इसमें पेस्टल शेड ले सकते हैं जो मैं अभी यहाँ पर ले रही हूँ, और दूसरा आते हैं नॉर्मल कलर्स जो मैंने बाहर की साइड इसमें बॉर्डर में किए हैं। तो जो भी कलर आपको पसंद है वो आप यहाँ पर ले सकते हैं, बहुत ही आसानी से मार्केट में आपको मिल जाएंगे, ऑनलाइन भी परचेज कर सकते हैं आप इनको। इसके साथ साथ आपको एक चीज़ का और ध्यान रखना है, अगर आपने वीडियो को यहाँ तक देखा है और आपको ये पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक करना मत भूलिएगा और मुझे कमेंट करके भी ज़रूर बताइएगा। आपके लाइक, आपके कमेंट्स मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन देते हैं मेरा काम करने के लिए, और मैं सही बताऊँ तो आप लोगों के सपोर्ट के बिना, आप लोगों के प्यार के बिना ये काम करना बहुत ही मुश्किल है। तो प्लीज़ आज तो कमेंट किए बिना बिल्कुल भी मत जाइएगा, और चलिए जल्दी से अपना डिज़ाइन कम्प्लीट कर लेते हैं। अब
यहाँ पर मुझे कमेंट करके ये भी बताइएगा आप में से मेरे कितने फ्रेंड्स जानते हैं कि मधुबनी आर्ट को हम मेडिटेशन आर्ट भी कहते हैं। अब यहाँ पर बहुत ही रिलैक्सिंग तरीके से जो हमारी आर्ट है हम उसको कंप्लीट करते जा रहे हैं, और आपने भी फील किया होगा इसको देखने में और इसको करने में भी बहुत ज़्यादा रिलैक्स फील होता है, इसीलिए इसको मेडिटेशन आर्ट भी कहते हैं। अब यहाँ पर मेरी पिछली वीडियो में मेरे बहुत से फ्रेंड्स ने पूछा था जो जेल पेन है क्या उसके साथ जब हम ब्रश पेन को यूज़ करेंगे तो जो हमारा जेल पेन है वो कहीं फैल तो नहीं जाएगा। बिल्कुल भी नहीं फैलेगा, बस आपको ये ध्यान रखना है पहले अच्छे से जेल पेन को ड्राई होने दें उसके बाद ही उसके ऊपर ब्रश पेन के साथ काम करें। अगर आज का ये डिज़ाइन आपको पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए आइडियाज के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।